दो बेटियों को गोद लेने के बाद अब बेटे को भी लिया एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने गोद। 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड रोहमन से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता ने बेटे को गोद लेकर की फैमिली पूरी। जी हाँ, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो बेटियों के बाद सुष्मिता सेन ने अब एक बेटे को भी गोद ले लिया है। दरअसल बीते दिन यानी कि बुधवार को सुष्मिता सेन अपने घर के बाहर स्पॉट हुई। इस दौरान सुष्मिता के साथ उनकी दोनों बेटियां आलिशा और रेने भी मौजूद थीं। वहीं उनके साथ एक बेटे को भी स्पॉट किया गया। येलो टी शर्ट ब्लू जीन्स पहने उनके बेटे का चेहरा मास्क से कवर था, इसलिए उनका फेस साफ नहीं दिखा। हालांकि इस दौरान सुष्मिता सेन बेहद ही खुश नजर आईं। सुष्मिता ने पेपराजी को खूब सारे पोज भी दिए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सुष्मिता ने बेटे को गोद ले लिया है। माना जा रहा है कि सुष्मिता ने अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल संग ब्रेकअप के बाद अपनी फैमिली में बेटे का वेलकम किया है। हालांकि इस बारे में खुद सुष्मिता ने कोई पुष्टि नहीं की है। खबरें हैं कि जल्द ही सुष्मिता अपने इस तीसरे बच्चे के बारे में मीडिया और अपने फैंस को बताएंगी। हालांकि बेटे से पहले सुष्मिता दो बेटियों की सिंगल मदर हैं। सुष्मिता सेन को बच्चों से काफी लगाव है। सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों को गोद लिया था। साल 2000 में उन्होंने पहली बेटी को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने रेने रखा। वहीं जनवरी 2010 में उन्होंने एक और बेटी को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने अलीशा रखा। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन ने कुछ समय पहले ही अपने से उम्र में 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड रोहमन से ब्रेकअप की अनाउंसमेंट की थी। 3 साल के रिलेशन के बाद अब सुष्मिता ने रोहमन के साथ महज दोस्ती का रिश्ता बना लिया है। लंबे समय से खबरें आ रही थी कि सुष्मिता और रोहमन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में खुद सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने ब्रेकअप की खबर दी। एक पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि हम दोस्त के रूप में शुरू हुए, हम दोस्त बने रहे, रिश्ता बहुत पुराना था, प्यार बाकी है। जानकारी के लिए बता दें कि सुष्मिता साल 2018 से रोहमन शॉल के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते रहते थे। साथ में दोनों घूमते फिरते भी थे। साल 2020 में रोहमन सुष्मिता और अपनी बेटियों के साथ ही शिफ्ट हुए थे। बीते दिनों खबरें थी कि ये कपल जल्द ही शादी करने वाला है, हालांकि बाद में सुष्मिता ने इन खबरों को बेकार बताया था। वैसे रोहमन से पहले भी सुष्मिता करीबन दर्जन भर स्टार्स को डेट कर चुकी हैं। सुष्मिता की बॉयफ्रेंड लिस्ट काफी लंबी रही है, लेकिन 46 साल की हो चुकी सुष्मिता सेन बार बार प्यार में नाकाम साबित होकर शादी के सफर से पहले ही दूर हो जाती हैं। भले ही सुष्मिता प्यार में नाकाम हो जाती हैं, लेकिन वो एक बेहद ही अच्छी माँ साबित हुई हैं। माँ होने के वो सारे फर्ज निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।